हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपका रहता है, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन जो आते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को करना है। कुछ कन्वर्जन के होते हैं इसमें रूल्स, और कुछ डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। मैक्सिमम जो एंट्रेंस एग्जाम में है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, और जो आपकी स्कूल्स की जो बुक्स होती हैं वहाँ पर कन्वर्जन भी आता है। और कभी कभी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें एक या दो नंबर के डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप किलोमीटर पर आवर में दी हुई स्पीड को मीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे, कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि 1 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासों में कि आपको जब मैंने पढ़ाए थे, जो रूल्स पढ़ाए थे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इन चीज़ों को मैंने आपको समझाया था उस तरीके से। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 1 किलोमीटर में मैंने आपको बताया था 1000 मीटर। इसी तरीके से अगर आपसे कई बार बात की जाए तो 1 आवर में आपके होते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के साथ साथ अगर आपसे फिर पूछा जाए कि 1 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि आपका मीटर पर सेकंड तक जाता है, तो 60 सेकंड्स होते हैं। अब बात आती है जब डायरेक्टली आपको 1 आवर से डायरेक्टली सेकंड्स में जाना होगा। तो आप समझिए, पहले आपको आवर से मिनट और मिनट से फिर सेकंड में जाओगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, 60 मल्टीप्लाई 60, यानी कि जो आपका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपका जो 1 आवर है, बस ये आपको याद रखना है, इसमें 1 आवर में 3600 सेकेंड। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि किस तरीके से आप आवर से डायरेक्टली सेकेंड्स में जाओगे। पहले 160 लिखा हुआ है जो इस समय, ये वाला 60, ये आपका मान लीजिए कि 1 आवर से आप मिनट्स में गए हो। फिर देन आपको मालूम है कि आपका 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स होता है, तो आप फिर इस मिनट्स को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो क्या करेंगे, 1 मिनट का पता है हमको 60 मिनट से निकालना है, तो 60 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से 3600 इसका सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ें आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही जो है यूज़ होने वाली हैं आपके कन्वर्जन में, इन्हीं से आपका सब कुछ रहेगा। कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, कुछ इसी तरीके से लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्ट तरीका होता है आवर को एच से, और किलोमीटर तो आपको पता ही है किस चीज़ से करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए, हमें 36 को कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है। इस चीज़ का आप मतलब समझिए कि ये क्या लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है किलोमीटर अपॉन आवर। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। अब इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कैसे, जब आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे, इसको आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी मैंने लिख नहीं पाया, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे, तो मीटर आपको मालूम है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 अपॉन, फिर आवर से आप सेकंड्स में जाओगे तो सेकंड होता है आपका 3600। अब इसको करोगे कैसे, सबसे पहले तो आप 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको एक 10/36 का जो एक शॉर्ट तरीका होता है वो मैं बता देता हूँ। इससे आप अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 5 10, और 2 का आप 36 में अगर डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगा। जब 18 आ जाएगा तो आपको करना क्या होता है कि कभी भी सीधा सीधा भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इस 36 से हम इस 36 को डिवाइड कर देंगे, आपका बचा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी आप ऐसा अकेला भी बना सकते हो, ये आ गया आपका आंसर। अब ये मैं 5/18 बता रहा था आपको क्या, कि अगर कभी भी आपसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो स्पीड आपको देता है वो क्वेश्चन में जो भी स्पीड आपको देगा, आपको उस स्पीड के साथ ओनली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बस ये एक छोटी सी चीज़ है कि आपको सिर्फ जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको स्पीड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। अब किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, अब ये भी तो है कि हम मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में करेंगे, यानी जब उल्टे जाएंगे, अब हमने इसको उल्टा कर दिया तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप करोगे स्पीड में 18/5 से मल्टीप्लाई,
ठीक है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, ये दो चीज़ें। इसके बाद आपकी क्या होता है कि कभी कभी मिनट में पूछ लिया जाता है, कभी कभी किलोमीटर जैसे का तैसा रखा रहता है, और आपसे पूछा जाता है कि सेकेंड्स की जगह, मतलब किलोमीटर रखा रहेगा, सेकेंड्स में पूछ लेगा नीचे, किलोमीटर पर सेकेंड में बताओ। तो इस तरीके से आपको करना है, वो आपका डिपेंड करता है इस चीज़ पर, क्योंकि ये मैंने एकदम बेसिक बताया है। और इस चीज़ का ध्यान इसलिए रखना क्योंकि यहीं से सारे फॉर्मूले बनते हैं, आपका 5/18 भी यहीं से आया है और आपका 18/5 भी यहीं से आया है। करेंगे कैसे ये मैं बता दूं, तब तक एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये 10/36 को ही मैंने यहाँ पर निकाला, ये 00 कटने के बाद। अगर आप डायरेक्टली 1000/3600 करोगे तब भी इसका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज कैसे करेंगे इन चीज़ों को। चलिए, मैंने अभी आपको बताया है कि किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने लिखता है, इसके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक क्वेश्चन चलिए और करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ये चेक करना है। तो हमने अभी आपको क्या बताया है कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करना है 5/18 का। यही मैंने आपको बताया, क्लियर है इतनी चीज। तो आपको बस यही करना है, बस इस स्पीड के साथ डायरेक्टली आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी अब आपको क्या लिखने की ज़रूरत है, नहीं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, आवर में सेकंड्स कितने होंगे, अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आवर में कितने सेकंड्स होंगे, किलोमीटर में कितने, क्या बस आप डायरेक्टली बस 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 4 times डिवाइड होगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपका आ जाएगा 20 meter per second। ये आपका आ गया आंसर। इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अब मैं एक और आपसे करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन का करवाऊंगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर, मैंने अभी आपको क्या बताया किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 5/18 से। ध्यान ये रखना है कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, बस 3/5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 15 meter per second। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है इतना। सबसे पहले आप एक चीज़ सीख लो कि आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपके जो डायरेक्टली नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, उन्हें चेंजमेंट के अकॉर्डिंग करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे मीटर पर सेकंड में दी हुई स्पीड का किलोमीटर पर आवर में चेंजमेंट किस तरीके से करेंगे, एक क्वेश्चन से चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 25 meter per second, सॉल्व करेंगे इसको। अब इसके केस में क्या करते हैं, हम लोग स्पीड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से। मैंने अभी आपको बताया भी था इसके पहले कि जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो वहां आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, बताया था ना 5/18 से मल्टीप्लाई। और जब आप इससे उल्टे जाओगे, यानी कि रिवर्स जाओगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा स्पीड में। तो आपकी स्पीड है आपकी 25, 18/5 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से इसको डिवाइड करोगे, आपका 5 times कट जाएगा, तो 5 जो कितना होगा 25, 5 times कटा, अब 5 का मल्टीप्लाई 18 में होगा, यानी कि आपका आ जाएगा 9090। अब ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये आपका आ गया आंसर। यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली 25 meter per second को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, आपका लिखा हुआ है 45 meter per second, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी नहीं होता है, 45 लिखा हुआ है ना, आपने देख लिया,
कुछ नहीं करना है आपको, 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया, 5 9 45, 18 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता है कितना आएगा, 162 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या आ गया आंसर। आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप इसको, मैं वैसे भी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को, आप समझ लीजिए इसको, 45 का मल्टीप्लाई करिए आप, मीटर से सेकंड में जाना है तो आपको मालूम है जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 1000 से ऐसा होता है, सेकंड से और आवर में जाएंगे तो वो भी 1/2 में होगा, जब दोनों चीजें 1/2 में हो जाएंगी तो नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाती है, ये बीच वाली ऐसा कुछ रहता है। तो होता क्या है, यानी कि फिर आपका होता है यहाँ पे 45 में मल्टीप्लाई होता है 3600/1000। अब आप यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 10 से नहीं कटेगा, तो आप यहाँ पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 यहीं लिखा रहने देंगे, 36 को काटेंगे 2 से, 18 times कटेगा, ये 5 times कटेगा, देखिए आपका 18/5 बन गया। यही मैंने किया है, कुछ भी अलग नहीं है, चीज़ें यहीं से निकल के आएंगी, कहीं और से नहीं आएंगी, बस आपको ये डायरेक्टली मैंने बता दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली आप जितना सरल तरीके से चीज़ों को कर पाए वो ज़्यादा अच्छा है, बेटर यही है। इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो किसी तरीके से, देख लीजिए और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे याद बना रहे आपको। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ तरीके, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। चलिए, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, आपको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने चीजों को करने की कोशिश की है कि जितना हो सके सिंपल से सिंपल कर दूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, जो फर्स्ट टाइम भी आप चीजों को सीख रहे हो तो उनको भी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज को। ठीक है, तो जैसा कि ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 36 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसीलिए इसका सबसे पहले बेसिक बताया था, क्यों, जिससे कि आपको किसी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। 36 लिख दिया, मैंने क्या कहा था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हमने कहा मीटर पर मिनट, तो जो मैंने 1000 करके बताया था, यानी कि किलोमीटर से अगर मीटर में चेंज करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। अब आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताया था मैंने कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, बताया था ना। चलिए, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 6 times जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 मीटर पर मिनट, यानी कि 600 मीटर जाएगा एक मिनट में आपका, ये रहेगा इसका आंसर। कैसे क्या करेंगे इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर देखते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 54 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मैं बोलूं आपसे कि मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करिए, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि क्या बचता है, 100/6, तो 100/6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 9 times आएगा, 9 का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आ जाएगा 900 मीटर पर मिनट। यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो, बस आपको करना क्या होता है, सिर्फ देखना यह है कि किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, आवर को किस में करना है, किलोमीटर को किस में करना है, इस तरीके से चीज़ें करनी है और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, कैसे करेंगे ये देख सकते हैं आप सामने, आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, सिर्फ हमें आज मैंने कन्वर्जन बताया, मैं आपको इसके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करवाऊंगा इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन चीज़ों को अच्छे समझिए, जो आपके एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम आती है आप उसको मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।